दाता हुकुम आपसे प्यार करते हैं या नहीं इसका फैसला आप करेंगे। He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me. हमें लगता है कि आप दोनों की शादी अब धीरे धीरे कामयाब हो रही है और दाता हुकुम भी अब आपसे प्यार करने लगे हैं। आप दोनों कितने खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। अभी दाता हुकुम ने आपके लिए केस लड़ा और पापा सबको लंदन भेजा। ये सब प्यार नहीं तो और क्या है। I'm sure dear भाई साहब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही है आपके दाता हुकुम, क्योंकि जब वो आपसे प्यार जताना चाहते हैं ना तब वो कोई आवाज़ नहीं करते। उन्हें जो करना होता है वो चुपचाप कर देते हैं, मगर जब आप पे गुस्सा करते हैं तो सबके सामने चिल्ला देते हैं। अभी तो दिल की बातें बताने की कोशिश नहीं हो रही है, अभी तो बस एक सीक्वेंस था जहाँ पर मैं हमेशा की तरह सपनों में खो जाती हूँ और मुझे अचानक रतन दिखते हैं और मैं अचानक सरप्राइज़ हो जाती हूँ, अरे कहाँ है। तो ये बड़ा नॉर्मल सा सीक्वेंस था जरा मेरी और मेरी बहन की बातें हो रही है। वो कह रही है कि आप कितने लकी है कि आपके पास रतन जैसे हस्बैंड है, वो आपके पापा सा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आई एम अग्रीइंग कि ऑफकोर्स वो है ही बहुत अच्छे, कुछ बहुत ही बड़ा करा है उन्होंने, लंदन भेजा है पापा को। हाँ, क्या हुआ था? पापा साहब की तबीयत बहुत ख़राब है पिछले कुछ दिनों से, तो उनको इसलिए उन्होंने लंदन भेजा और मुझे रतन ने इस बारे में बताया भी नहीं। तो आई रियली थिंक इट्स वेरी स्वीट। थैंक यू।